हेलो एवरीवन, आज हम पेंड्रम प्लस के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, कौन इसको यूज कर सकता है, कौन इसको यूज नहीं कर सकता, कैसे यूज करना चाहिए, किस टाइम यूज करना चाहिए, क्या हम इसे गोरा होने के लिए भी यूज कर सकते हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए आप हमारी वीडियो के एंड तक बना रहिए। अब हम पेंड्रम प्लस के बारे में बात कर लेते हैं। पेंड्रम प्लस के बारे में बात करें तो मैगलोट्स कंपनी इसको बनाती है। कंपोजिशन के बारे में बात करें तो क्लोबिटासोल प्रोपियोनेट, नियोमाइसिन सल्फेट, मिकोनाजोल नाइट्रेट, ये इसका कंपोजिशन होता है और 15 ग्राम के पैक में ये आती है। एमआरपी के बारे में बात करें तो 88.75 पैसे इसका एमआरपी होता है। अब हम इसकी यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। यूजेस के बारे में बात करें तो हमें एलर्जी हो, कोई फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल संक्रमण हो, बैक्टीरियल संक्रमण के कारण रेडनेस हुई हो, जलन हो, इन सब में हम इसके यूज कर सकते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो त्वचा का पतला हो जाना, सूजन होना, क्योंकि इसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है जिसके कारण हमारी त्वचा पतली हो जाती है और सूजन रेडनेस हो जाती है। अब हम बात कर लें तो कौन इसका यूज नहीं कर सकता। जिनको इस कंपोजिशन से एलर्जी है, पहले से कोई एलर्जी है, इसी क्रीम को यूज करने से एलर्जी हुई हो, वो इसका यूज नहीं कर सकता। अब हम बात कर लेते क्या हम इसे गोरा होने के लिए यूज कर सकते हैं। नहीं, हम इसे गोरा होने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यह दांत, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, इन सब में ही यूज किया जा सकता है। यह एक एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी एलर्जिक क्रीम है जो कि फेस पे यूज नहीं कर सकते गोरा होने के लिए। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।